आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं अयाज। तेज खबर 24 में हम लेकर आए हैं आज एक ऐसी कहानी जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। इस कहानी का शीर्षक है पति पत्नी और वो। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसे कत्ल की कहानी जिसने रीवा सतना सहित पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। तीन बड़े अधिकारियों के बीच की यह मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई क्या है, यह तो पुलिस की जांच और न्यायालय में पेश होने वाले सबूतों के आधार पर ही सामने आएगी। लेकिन वारदात के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद परत हो रहे खुलासे काफी चौंका देने वाले हैं। पुलिस ने भले ही वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है, लेकिन कई ऐसे सवाल जो अभी भी अनसुलझे हैं। जी हां, तो हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित अभिषेक सिंह हत्याकांड का। तारीख थी 14 अगस्त 2018 की सुबह, जब सतना स्थित सिविल लाइन कॉलोनी के सरकारी आवास क्रमांक 265 में अजाक संयोजक अभिषेक सिंह की लाश अर्धनग्न हालत में उनके बिस्तर पर पाई गई थी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस सहित परिजन जब मौके पर पहुंचे तो अभिषेक को मृत देख सभी भौचक रह गए। पहले तो अभिषेक की मौत को सामान्य माना गया, लेकिन पीएम रिपोर्ट में चौंका देने वाला सच सामने आया। बता दें कि जब पीएम रिपोर्ट पुलिस को मिली तो उसमें अभिषेक की मौत गला दबाकर हत्या किया जाना सामने आया था, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। लेकिन अभिषेक के परिजन सहित उसकी पत्नी अनामिका से जब पुलिस अधिकारियों ने बातचीत की तो सभी ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी प्रदीप सिंह बघेल पर हत्या करने का संदेह व्यक्त किया। परिजनों के संदेह पर पुलिस ने प्रदीप से पूछताछ की, लेकिन पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे प्रदीप को दोषी माना जाए। बावजूद इसके परिजन अपनी बात पर कायम रहे और प्रदीप को हत्यारा मानते रहे। तब तत्कालीन आईजी उमेश जोगा और सतना एसपी संतोष सिंह गौर ने जांच का तरीका बदला और अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गए। कुछ ही दिन में पुलिस के हाथ प्रदीप सिंह से जुड़े ऐसे साक्ष्य पुलिस को मिलना शुरू हो गए। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले प्रदीप सिंह के चालक सेरा खान को शहडोल से पूछताछ के लिए सतना लाई, जहां उसने अभिषेक सिंह हत्याकांड का खुलासा कर दिया और इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड प्रदीप सिंह को बताया। इतना ही नहीं, शेर ने वारदात से जुड़े सभी साक्ष्य पुलिस के सामने रख दिए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदीप सिंह को हत्या का मुख्य आरोपी बनाते हुए शेर खान को जेल भेज दिया और प्रदीप की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदीप पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। लगातार 10 माह तक पुलिस और प्रदीप सिंह के बीच चला आंख मिचौली का खेल उस वक्त समाप्त हुआ जब सतना के वर्तमान एसपी रियाज इकबाल को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रदीप सतना न्यायालय में सरेंडर करने जा रहा है। इससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। तो आइए जानते हैं प्रदीप ने कैसे रची थी अभिषेक के कत्ल की साजिश। पुलिस रिमांड अवधि के दौरान आरोपी पीडब्ल्यूडी अफसर प्रदीप सिंह बघेल ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि अभिषेक सिंह से उसका मतभेद चल रहा था। 13 अगस्त को प्रदीप अपने चालक शेर खान के साथ अभिषेक से मिलने उसके सरकारी आवास गया था, जहां अभिषेक पूजा कर रहा था। प्रदीप ने बताया कि जैसे ही अभिषेक ने उसे देखा तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया। शांत प्रवृत्ति का होने के बावजूद अभिषेक के उग्र रवैये को देखकर पहले तो उसे शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गालियां ही देता रहा। लगातार गालियां देना पर गुस्सा आ गया, जिस पर अभिषेक से हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान अभिषेक के साथ जमीन पर वह गिर पड़ा। तब अभिषेक ने सिर का बाल पकड़ लिया स्वयं को छुड़ाने के लिए, अभिषेक का गला और उसने मुंह भी दबा दिया। तब वह बेहोश हो गया। बेहोशी की अवस्था में अभिषेक को कमरे से उठाकर बेडरूम में लिटा दिया गया।
पीडब्ल्यूडी अफसर ने पुलिस को बताया कि लाश को बेडरूम में रखने के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन, टेबलेट और सिरिंज रख दिया ताकि यह प्रतीत हो सके कि अभिषेक ने इंसुलिन का ओवरडोज लेकर खुदकुशी कर ली है। लेकिन शायद प्रदीप को यह मालूम नहीं था कि कातिल कितना भी शातिर हो, वह अपने पीछे कोई ना कोई बड़ा सबूत छोड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ अभिषेक की कत्ल में। हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने के बाद प्रदीप भले ही खुद को सुरक्षित महसूस करता रहा हो, लेकिन उसने अपने पीछे छोड़े सबूतों के जाल में खुद ही फंस गया। आइए जानते हैं अभिषेक के कत्ल की क्या थी वजह। अब पुलिस कस्टडी में रिमांड अवधि में आरोपी प्रदीप से पूछताछ के दौरान कई परतें खुलनी शुरू हो गई थी। पूछताछ में आरोपी पीडब्ल्यूडी अफसर प्रदीप बघेल ने कबूला कि वह अनामिका से प्यार करता था, लेकिन अनामिका का विवाह अभिषेक से कराने की मुख्य भूमिका प्रदीप की ही थी। प्रदीप का कहना है कि उसकी मध्यस्थता की वजह से अनामिका और अभिषेक का विवाह हुआ था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि अभिषेक से विवाह होने के बाद अनामिका उससे रिश्ता तोड़ देगी। विवाह के बाद अनामिका से रिश्ते की जानकारी अभिषेक को हो गई थी। तभी से उसका व्यवहार बदल गया था। मुलाकात होने और बातचीत के दौरान अभिषेक अक्सर उग्र व्यवहार करने लगा था, जबकि वह काफी शांत प्रवृत्ति का था। अब सवाल यह उठता है कि जब प्रदीप अनामिका से प्यार करता था तो उसने अभिषेक से क्यों शादी कराई? कहीं इसके पीछे प्रदीप का कुछ और मकसद तो नहीं था? क्योंकि सतना पुलिस इस सवाल का जवाब प्रदीप से पूछती रह गई, लेकिन प्रदीप ने इस सवाल पर चुप्पी साध ली, जो अभी भी सवाल बना हुआ है। पुलिस इस पूरी कहानी को जानने के बाद अब यह मान रही है कि अभिषेक के कत्ल की वजह प्रदीप का बेइंतहा प्यार था। यह बात पुलिस के सामने आरोपी प्रदीप और अनामिका दोनों ने ही स्वीकार की है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच क्या बातें हुई, इस संबंध में दोनों ने ही चुप्पी साध ली थी। ये थाना सिविल लाइन की घटना थी अभिषेक हत्याकांड में। आज इसका जो मुख्य आरोपी था प्रदीप सिंह, इसको लगातार जो हमारी एक टीम में लगी हुई थी, इसमें काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयासरत थे और उसी दबाव के प्रयास से आज उसने यहाँ पर उपस्थित हुआ है और उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। क्या रिमांड में रखी जाएगी? हाँ, पीआर लिया जाएगा और जो रिकवरी होना है वो की जाएगी। इनाम भी उस पर आरोपी पर 30,000 का इनाम घोषित था। अब बारी है सवालों की, जो अभिषेक सिंह की हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। अभिषेक की हत्या से जुड़े ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इन सवालों में आइए हम जानते हैं, क्या प्रदीप और उसकी मासूका की मिलीभगत से अभिषेक की हत्या हुई थी? 30,000 के इनामी हत्या के आरोपी प्रदीप को थाने में सुविधा कैसे मिली? क्या हत्या के आरोपी प्रदीप की रची पटकथा पर चल रही थी पुलिस की विवेचना? 30,000 के इनामी हत्या के आरोपी प्रदीप के सरेंडर कराने में क्या फरारी के दौरान संरक्षण देने वालों की ही थी भूमिका? अभिषेक की हत्या के बाद उसकी पत्नी अनामिका से क्यों मिला हत्या का आरोपी प्रदीप? सिविल लाइन थाने आकर भी ससुराल के लोगों से क्यों नहीं मिली मृतक की पत्नी अनामिका? क्या हत्या के आरोपी प्रदीप से सवाल करने में खानापूर्ति कर रही है पुलिस? रीवा सहडोल मार्ग में दिया पीपर गांव के पास गमछा सोन नदी में फेंक दिया गया था। बाढ़ के बावजूद 10 माह बाद हत्या में प्रयुक्त गमछा कैसे मिल गया? हत्या दिनांक से 10 महीने बाद भी क्या वही शर्ट पहना रहा होगा आरोपी? 2 बार घर की तलाशी, फिर भी क्यों नहीं मिला हत्या के आरोपी का मोबाइल? जबकि सोन नदी में 10 माह पहले फेंका गया गमछा मिलना बता रही है पुलिस। पत्नी और बेटे से थाने में क्यों नहीं हुई पूछताछ? क्या पुलिस ने किसी के इशारे पर घर में जाकर की पूछताछ? अभिषेक सिंह की हत्या और किन किन की भूमिका थी? किन किन लोगों ने हत्या के आरोपी को फरारी के दौरान संरक्षण दिया? उन पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? ये ऐसे सारे सवाल हैं जो पुलिस की जांच के बावजूद भी
सवाल खड़े हो रहे हैं